नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का पंजाबी कुकिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम गाजर के कटलेट बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाए। कटलेट बनाने के लिए जहाँ पर हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर हमने जहाँ पर चार गाजर ली है, गाजर को अच्छे से धो के कद्दूकस कर लिया है और इन गाजरों को हम बाउल के अंदर डाल देंगे। एक प्याज लिया है, प्री कट लिया है, इसे प्याज को भी डाल देंगे। दो चम्मच हरे धने की पत्तियां, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा छोटी चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक तिहाई लाल मिर्च पाउडर, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा हमने जहां पर चार ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, जो फ्रेश ब्रेड है और ब्रेड के चारों तरफ से मैंने इसे काट लिया है और इन ब्रेड्स को हम छोटे छोटे टुकड़े इसके करके इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से तोड़ लेंगे इसे और सारी जो हमारी ब्रेड है दूसरी भी, वो हम इसी तरीके से तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। चारों ब्रेड के टुकड़ों को मैंने इस तरीके बारीक बारीक तोड़ दिया है और साफ हाथों की मदद से अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। सभी चीजें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम एक बाउल की तरह इसे बना के देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बन रही है बाउल हमारी। और जहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कॉर्नफ्लावर की मात्रा आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लावर और डालना चाहिए तो आप एक आधा चम्मच और डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप बेसन का इस्तेमाल करें तो पहले बेसन को थोड़ा सा भून लें और उसके बाद आप बेसन इसके अंदर डालें। अब हम इसके रोल बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे, इस शेप के हम बना के तैयार कर लेंगे। सारे जो रोल है हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। रोल्स हमारे बनकर तैयार हैं और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन के अंदर हमने तेल गर्म कर लिया है और एक एक रोल करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। गैस ज्यादा तेज आंच पर नहीं रखेंगे, मीडियम आंच के ऊपर हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक तरफ से रोल हमारे सिक चुके हैं और अब हम इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे। मैंने इस तरीके का फोक लिया है, इसके साथ इसे पलट रही हूँ। इससे क्या होता है कि टूटने का डर नहीं रहता और हम इसे आसानी से पलट सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम सभी रोल्स को अच्छे तरीके से सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा पलटेंगे, घुमा घुमा कर हम चारों तरफ से इसे सेक सकते हैं और ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी है, मीडियम आंच के ऊपर ये सेकें ताकि ये अंदर से पूरी तरह से सिक पाए। रोल हमारे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक चुके हैं और अब एक एक करके हम प्लेट में निकालते जाएंगे। गाजर के कटलेट बनकर हमारे तैयार हैं। आप इसे इसी तरीके से बनाइए और खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसे टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बनाइए और खाइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।